नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज़ एंटरटेनमेंट में और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वीकेंड की व्हाट टू वॉच लिस्ट, जो कि आप वीकेंड पे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने लविंग वंस के साथ फिल्में जो हैं या मूवीज़ जो हैं जिनको देख के आप इन्जॉय कर सकते हैं अपना वीकेंड, आज वो लेके आए हैं। और सारी ही फिल्में काफ़ी अच्छी हैं, एंटरटेनिंग हैं और एकदम फैमिली ड्रामा, फैमिली स्टार्टर पैकेज है। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लिस्ट की तरफ ले चलता हूँ और पहली मूवी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वन एंड ओनली रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये फिल्म है। और आपको बताएं कि अगर सैटरडे है या वीकेंड है, आपको रणवीर सिंह की मज़ेदार फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांग ठक्कर द्वारा निर्देशित फिल्म है। और आपको बताएं, इसमें रणवीर सिंह जो है एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कर रहे हैं और इसमें रणवीर सिंह एक पारंपरिक गुजराती सरपंच के बेटे की भूमिका में है। और इसके साथ ही ये भी बताएं कि रणवीर का जो किरदार है वो काफ़ी एक ऐसे शख्स का है जो कि समाज में एक कह सकते हैं कि सोशल मैसेज लेके आता है और समाज में महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं के बीच में सम्मान जागरूक करता है और विश्वास दिलाता है कि महिला और पुरुष जो है एक दूसरे से कहीं कम नहीं है। जो ऐसी चीज़ें जो हैं इस पूरी फिल्म में देखने को आपको मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, फुल एंटरटेनिंग पैकेज होने वाला है। तो अगर आप वीकेंड में फ्री हैं और चाहते अच्छी फिल्म देखना, तो जयेश भाई जोरदार तो आपकी इस फिल्म में ज़रूर होनी चाहिए आपकी लिस्ट में। और अगली लिस्ट में अगली फिल्म की तरफ चले तो जो पंजाबी सिनेमा से है और इसका नाम है, या गाइस 13 मई को रिलीज़ हुई है और इसका नाम है सोंखन सोंखने। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये फिल्म है और एक एंटरटेनिंग फिल्म है। इसमें हर एक चीज़ है, कॉमेडी, ड्रामा, क्लाइमैक्स, सस्पेंस, हर एक चीज़ इसमें है। और आपको बताएं, इसमें तीन हमें बड़े बड़े सितारे देखने को इस फिल्म में मिल रहे हैं, सरगुन मेहता, एमी विर्क और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस फिल्म में उनका नाम है निमृत खैरा, जो कि तीनों का ट्रायो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है और उसको काफ़ी क्रिटिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉमेडी ड्रामा फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये मूवी है। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पहले दिन तो काफ़ी अच्छा, पब्लिक रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए अब वीकेंड पे। तो अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डॉन। और डॉन फिल्म जो है एक तमिल फिल्म है जिसके तेलुगू में भी रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि सीबी चक्रवर्ती द्वारा लिखित और निर्देशित ये कॉमेडी फिल्म है। और आपको बताएं, इसमें काफ़ी सारा जो है एक्शन और कॉमेडी, ड्रामा, हर एक चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ये फिल्म होने वाली है। तो आप भी अगर वीकेंड में इंजॉय करना चाहते हैं, एक अच्छी एक्शन ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं, कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं, तो एंटरटेन होने के लिए डॉन फिल्म से अच्छा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ज़रूर इस फिल्म को देखें अगर आप देखना चाहें तो। तो अगली लिस्ट की तरफ बढ़ें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक एक लिस्ट में ये नाम है जिसका नाम है जो एंड जो। जो एंड जो एक मतलब 2022 की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म है, मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसकी निर्देशित है नवोदित अरुण डी जोस। और आपको बताएं कि इस फिल्म में काफ़ी सारे जो है यंग एक्टर्स हैं और इसी के साथ साथ पूरी एक फैमिली फिल्म जिसे कहते हैं उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। और आपको बताएं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक नया कंसेप्ट है, नया एक कह सकते हैं कि नई चीज़ इसमें सामने आएगी, क्योंकि इसमें रोमांस है, कह सकते हैं कॉमेडी है, प्लॉट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों अगर आप वीकेंड को अपना एक कह सकते हैं कि अलग बनाना चाहते हैं, एकदम हटके बनाना चाहते हैं, तो ये फिल्म तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली लिस्ट की तरफ जो कि है जिन। जी हाँ, जिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है और आपको बताएं कि भारत रत्न द्वारा निर्देशित जिन सिद्धार्थ 2022 की मलयालम फैंटेसी ड्रामा फिल्म है। तो आप सोच लो कितना ज़्यादा एक्साइटिंग फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म में जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें VFX आपको देखने के मिलेंगे, आपको जो है इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी तरह से डिस्प्ले की जाएगी, विजुअल्स इसके काफ़ी हटके होने वाले हैं। और आप सोचिए कि शाइन टाइम चाकू और संती बाल चंद्रन के साथ शीर्षक भूमिका में सोबिन शाहिर भी इस फिल्म में है। तो आप सोच लो कि कितनी ज़्यादा एंटरटेनिंग ये फिल्म होने वाली है और एकदम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सस्पेंस और घोस्ट वाली ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि इसका नाम ही जिन है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा सस्पेंस और इसमें आपको डर लगने वाला है इसको देख के। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर फिल्म में देख रहे हैं तो रात को ज़रूर देखें, क्योंकि होता है ना लोगों को रात को इन्जॉय करने में मज़ा आता है फिल्म्स वगैरह की, तो रात को कभी मूड कर जाए तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप साउथ की फिल्मों में इंटरेस्टेड हो तो ये एक नाम भी अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अगली फिल्म जो है एकदम स्वीट सी फिल्म है जिसका नाम है मेरी आवाज़ सुनो, जो कि एक कह सकते हैं कि मलयालम संगीत ड्रामा फिल्म है। और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि
इस फिल्म में आपको अलग अलग एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर संगीत ड्रामा फिल्म है तो जैसे आपने बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्म देखी होगी जिसमें कि सिंगर्स होते हैं दोनों, लड़का और लड़की, और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ सिंपल रोमांस है इसमें, और दोनों ही रेडियो जॉकी का जो जीवन है उसको, उसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमेगी, और उसी के इर्द गिर्द जो है रेडियो जॉकी, आपको पता है उसको अच्छा गाना भी आता है, उसकी आवाज़ भी अच्छी होती है, तो उसी का थोड़ा सा जो है ट्विस्ट इसमें होने वाला है। और दोनों के बीच में रोमांस, और कह सकते हैं दोनों के बीच की तकरार, और दोनों के बीच का प्रेम जो है हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो आपको अगर कोई प्यारी सी स्वीट सी अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखनी है तो मेरी आवाज़ सुनो आपके लिए काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो अगर आप अपना वीकेंड इन्जॉय करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको लिस्ट में नाम बताए हैं, आप ज़रूर इस फिल्मों को देखिए, और अगर आपको ये फिल्में अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते हैं। और अगर आपका वीकेंड इन फिल्मों से इन्जॉय हुआ है, आपको कौन सी और फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी हमें ज़रूर बताएँ। और ऐसी ही फिल्मों को देखने के लिए, ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना चाहें दोस्तों, अभी अभी सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे हम आपके लिए आते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।